हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ में राज्य जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उनके लिए जीके के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं। जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों? 25 क्वेश्चंस आते हैं। उन 25 क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार एजुकेशन पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चार ऑप्शन है, इन चारों में से प्रश्न का सही उत्तर है, आप जल्दी से उत्तर दे दीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है जो शाहजहाँ। क्या है? शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किले की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस नेशनल राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? रोहतक है, पानीपत है, खड़गपुर है या फिर पटियाला है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। राइट आंसर ही दोस्तों आपका पटियाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगा खां कफ किस खेल से संबंधित है? देखिए, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है या फुटबॉल है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है आगा खां कफ का संबंध हॉकी से। किससे है? हॉकी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। चार नंबर प्रश्न, बांदीपुर अभ्यारण आपका कर्नाटका के अंदर स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन भाप इंजन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न, और 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है जेम्स वॉट। क्या है? जेम्स वॉट आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, रेडियो का आविष्कार करने वाला व्यक्ति का नाम पूछा गया है। जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए अगर प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो। यस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितना जल्दी है उतना दोस्तों शेयर करें क्योंकि वो भी हमारे तक पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मार्कोनी। क्या है? मार्कोनी आपका राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, हरियाणा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है या फिर नागालैंड। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है नागालैंड। क्या है आपका राइट आंसर? नागालैंड। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट्स कर दिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अगर प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल, आप प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे से वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। राइट आंसर इज बद्रुद्दीन तेजवी। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम क्या है? यस, देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एटीएम का पूरा नाम क्या है? पूछा है एटीएम का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संसार की प्रथम महिला, देखिए, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों। सबसे पहले ये किस देश की बनी थी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देश का नाम श्रीलंका है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, श्री माओ भंडार नायक। क्या है? भंडार नायक बनी थी। ये श्रीलंका की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों, हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में पूछा गया। लोहा है, जस्ता है, कांस्य। बिल्कुल आपका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर कांस्य युगीन है। क्या है? कांस्य युगीन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दीन ए इलाही। अच्छा, अगला देखिए, दीन ए इलाही धर्म किस
मुगल शासक ने चलाया था। 13 नंबर प्रश्न, अकबर हैं, बाबर हैं, जहांगीर हैं या औरंगजेब है। राइट आंसर इज अकबर के द्वारा यह चलाया गया था। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उगते हुए या डूबते, उगता है या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? पूछा है लाल का प्रतीक क्यों होता है, इसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो 14 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश का। क्या पूछा गया? प्रकाश का, प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रा जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों सवाल पूछा गया इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इंद्रधनुष में कुल संख्या होती है आपकी 7। कितने होती है? 7 संख्याएं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? धरती के पूछा है, उपग्रह के बारे में पूछा है। देखिए 36 किलोमीटर या 3600 किलोमीटर, 46,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर, राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है 36,000 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुइस पासेस, मार्कोनी या फेट? तो राइट आंसर दोस्तों एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। इस प्रश्न का राइट आंसर, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लुइस पास। अगला देखिए, दूध से दही किस विषाणु के कारण बनता है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रासरव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20,000 से अधिक से, नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 21 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, जल्दी से बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। 21 दोस्तों 21 प्रश्न का राइट आंसर है, वो है नाभिकीय विखंडन। क्या है? नाभिकीय विखंडन के कारण बम सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई पूछा गया, पूछा है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? हर्ट्ज, एम्पियर, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये एम्पियर। क्या है? एम्पियर आपका राइट आंसर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, हृदय की जब धड़कन को नियंत्रण करते हैं, 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? चौबीस नंबर प्रश्न, यस आप सभी का राइट आंसर है, कमेंट्स कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यस राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, मलेरिया की दवाई जो कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों कुनिन या उसे कुनैन कहते हैं, कुनिन या कुनैन कहा जाता है, वो किस पौधे से प्राप्त होती है? राइट आंसर इज आपका सीन कोना। क्या है? सिन कोना आपका राइट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है रफलेशिया। क्या है आपका? रफलेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संसार देखिए, सबसे बड़ा जीवित व्यक्ति का नाम क्या है? जीवित पक्षी का नाम पूछा गया है कि जीवित पक्षी का नाम क्या है? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसका राइट आंसर चतुर्मुख। क्या है? चतुर्मुख आपका राइट आंसर है। संसार में सबसे छोटे पक्षी का नाम पूछा है, संसार में सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था? देखिए 29 और 29 कहता है दोस्तों सबसे पहले कुत्ते, किसने कुत्ते को पाला था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आज का अंतिम नंबर प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काला दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं कि व्हाट्सएप से नंबर जुड़े और व्हाट्सएप हर व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप जो स्टेटस होता है उसके ऊपर आपके जो PDF वगैरह वीडियो का लिंक आपको मिल सके, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर मेरा नाम ये है और मेरा राज्य ये है और मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इसकी PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं मिलता तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन कर लीजिए स्टार एजुकेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर PDF आपको नहीं मिलती है दोस्तों तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, चलिए नई क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।